बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करी हूँ है कलेजी पालक। आइए देखते हैं इसको मैं किस तरह बनाती हूँ। कलेजी पालक के लिए मैंने कलेजी ले ली है, तकरीबन एक पाव कलेजी है, ठीक है। और ये मैंने चिकन की कलेजी ली है, ठीक है। इसको धो के साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। आधा किलो के करीब मेरे पास पालक है, बिल्कुल फ्रेश, ये घर का पालक है मेरा बना हुआ। इसको मैं स्टीम कर लूँगी थोड़ा सा। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 मीडियम प्याज है मेरे पास, एक छोटा टमाटर है, एक हरी मिर्च है। इसके अलावा मैंने लिया है पिसा हुआ गर्म मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मेरे पास है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक 2 टेस्ट है, पिसा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून और पिसा हुआ गर्म मसाला है 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून है मेरे पास हल्दी, और इसके अलावा ऑयल लेंगे तकरीबन 1 कप। आइए स्टार्ट करते हैं। एक खुले मुंह का बर्तन ले लिया मैंने, इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी तकरीबन 1/2 कप। 1/2 कप ऑयल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी एक छोटी प्याज थी जो मैंने स्लाइस करके रखी हुई थी, इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा कलर आ रहा है अच्छा सा। अब मैं इसको डालूंगी इसके अंदर मसाले सारे जो कि मेरे पास ये है मौजूद, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको बहुत अच्छे से हम भूनेंगे यहाँ तक कि जो मसाला का कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने पालक रख दी है स्टीम होने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के तकरीबन इसको 5 मिनट भूनना है। मैंने इसमें 2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और ये भून गया बिल्कुल अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, हरी मिर्चें और कलेजी। क्योंकि ये चिकन की कलेजी है तो ये जो है सिर्फ स्टीम में ही आ जाएगी, आपको पता है बहुत जल्दी कुक हो जाती है ये। इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस हम भूनेंगे जब तक हमारी पालक तैयार हो जाएगी, इसको हम पीस के इसमें शामिल करेंगे। पालक जो है हमारी स्टीम हो गई है, मैंने इसको जग में डाल दिया है ग्राइंडर में, और मैं इसको पीस के इसको मैंने एक दफ़ा चलाया है बस, और ये जो है बिल्कुल बारीक नहीं पीसा मैंने, सिर्फ एक दफ़ा इसको चलाया। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है, और टमाटर भी जो है वो नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया इसमें। कलेजी जो है वो बिल्कुल डन हो गई है। हम इसमें डालूंगी पालक, आप चाहें तो पालक की क्वांटिटी तो है थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट कुक करूंगी ताकि ये जो है सारन बिल्कुल यकजान हो जाए। ये अच्छी तरह से पक गई है, बस इस पर ऑयल ऊपर आने का इंतज़ार करेंगे हम। इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसको मैं डिश आउट करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम और पकाएँगे। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, हमारा कलेजी पालक बिल्कुल रेडी है, आपके सामने है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल ऐसा फूड भी शमा राशिद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।